बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी डिपार्टमेंट शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट को। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव पार्ट से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है आंसर ट्रू और फॉल्स। आपने आंसर करना है ट्रू और फॉल्स में। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, देन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद वर्ड डैट मेक द स्टेटमेंट ट्रू। तो आपने अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स की जगह पर वो वर्ड्स रिप्लेस करने हैं जो कि उस स्टेटमेंट को ट्रू कर दें। सबसे पहले पार्ट वन की स्टेटमेंट है, अ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल एंड इट्स एस्टिमेट फॉर द फ्रॉम द रिग्रेशन लाइन। तो इसका आंसर है आपके पास फॉल्स, और अंडरलाइन किए हुए वर्ड की जगह पर आपके पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड नंबर की स्टेटमेंट जो है आपके पास, अ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट्स मेजर द डिग्री ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स इन अ मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम व्हेन द इन्फ्लुएंस विद ऑल अदर वेरिएबल्स हैज़ बीन रिमूव्ड। आपने इसका आंसर है यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि आपने यहाँ पर रिप्लेस करना है वो वर्ड जो कि स्टेटमेंट को कर दे ट्रू। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि अंडरलाइन किए हुए वर्ड की जगह पर आपके पास आएगा पार्शियल कोरिलेशन। अगर आप लोग पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो वो इस स्टेटमेंट को कर देगा ट्रू। थर्ड है आपके पास, द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटरमिनेशन। तो इसका आंसर भी है आपके पास फॉल्स, इसका आंसर आपके पास अंडरलाइन किए हुए वर्ड की जगह पर आएगा स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ स्टेटमेंट, द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव इन साइन व्हेन ऑल ऑफ द टू वेरिएबल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर नेगेटिव इन साइन। तो इसका आंसर भी है आपके पास फॉल्स, तो यहां पर आपके पास करेक्ट वर्ड आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ स्टेटमेंट है, द रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर इन केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इज द एक्सप्लेन वेरिएशन। तो इसका आंसर आपके पास ट्रू, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स स्टेटमेंट, फॉर अ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस इफ समीशन वाई माइनस वाई बार स्केयर इज इक्वल टू 50 एंड समीशन वाई माइनस वाई हैट स्केयर इज इक्वल टू 20, देन द मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्केयर इज इक्वल टू 0.7। अगर आपके पास समीशन वाई माइनस वाई बार स्केयर का आंसर 50 और समीशन वाई माइनस वाई हैट स्केयर का आंसर है 20, तो आपने बताना है कि आपके पास मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्केयर का आंसर आएगा 0.7। तो इसका आंसर है आपके पास फॉल्स, इसका आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 0.6। 0.6 कैसे आता है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। 0.6 के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ आर स्केयर का फार्मूला बनेगा कि आपने 1 में से 20 बाय 50 करना है, तो आपके पास आ जाएगा 20 बाय 50 0.4, और 1 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो आपके पास आर स्केयर का आंसर आ जाएगा 0.6। यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेवन नंबर पे, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इन मल्टीपल रिग्रेशन हैज़ एन माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इन मल्टी फॉल्स, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इन मल्टीपल रिग्रेशन में जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो आपके पास आता है एन माइनस के माइनस वन। नेक्स्ट है एट स्टेटमेंट, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इज अ मेजर ऑफ स्कैटर ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबाउट द रिग्रेशन लाइन। तो इसका आंसर है आपके पास ट्रू। नेक्स्ट नाइन स्टेटमेंट है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर द अदर नेम फॉर मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट, कि आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट का दूसरा जो नाम है वो मल्टीपल रिग्रेशन कोफिशिएंट है, तो ये इसका आंसर भी आपके पास ट्रू। नेक्स्ट एट स्टेटमेंट है, इन अ मल्टीपल रिग्रेशन द एडिशन ऑफ न्यू वेरिएबल विल ऑलवेज रिड्यूस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो इसका आंसर है आपके पास फॉल्स, और रीज़न आएगा आपके पास यहाँ पर चेंज। यहाँ तक आपके पास जो यहाँ पर ट्रू फॉल्स है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपने एमसीक्यूज बताना है। पार्ट वन की आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, द रेंज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, कि आपके पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज क्या है, माइनस वन से प्लस वन, जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, जीरो टू वन, या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर है सी,
0 to 1। नेक्स्ट पार्ट टू की स्टेटमेंट है द रेंज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0 to 1, -1 to +1, 0 to +∞ एंड -1 to 0। तो इसका आंसर है आपके पास -1 to +1। पार्शियल का आपके पास -1 से +1 होता है, मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का 0 से लेकर 1 तक होता है। थ्री की आपके पास स्टेटमेंट है यहाँ पर इफ द मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर 3.12 इज इक्वल टू 1। अगर आपके पास मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर 3.12 का आंसर 1 के इक्वल है तो देन इट इम्प्लाइज अ परफेक्ट रिलेशनशिप, हाई रिलेशनशिप, वीक लीनियर रिलेशनशिप या पार्ट डी है आपके पास परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। तो अगर आपके पास आर का आंसर 1 है तो वो आपके पास बनता है परफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि ए। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ की स्टेटमेंट है इन द रिग्रेशन एनालिसिस द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज गिवन बाय, कि अगर आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस में एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल वाई हो तो वो किसको एक्सप्लेन करता है, समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, समीशन वाई माइनस वाई हैट स्क्वायर, समीशन वाई हैट माइनस वाई बार स्क्वायर या समीशन वाई माइनस वाई हैट को। तो इसका आंसर आपके पास समीशन वाई हैट माइनस वाई बार स्क्वायर। फिफ्थ आपके पास ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड डेविएशन, कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहलाता। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्लोप कोफिशिएंट, मीन स्क्वायर एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वाई वेरिएबल। तो इसका आंसर है आपके पास मीन स्क्वायर एरर बी। सिक्स के आपके पास स्टेटमेंट है द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इन मल्टीपल रिग्रेशन इज गिवन बाय आर स्क्वायर 5.13 इज इक्वल टू 1 माइनस एसएसटी डिवाइडेड बाय एसएसई। पार्ट बी है आर स्क्वायर 5.13 इज इक्वल टू 1 माइनस एसएसआर डिवाइडेड बाय एसएसटी। सी में है आपके पास आर स्क्वायर 5.13 इज इक्वल टू 1 माइनस एसएसई डिवाइडेड बाय एसएसआर, या फिर आपके पास डी में है वाई स्केयर आर स्केयर 5.13 इज इक्वल टू 1 माइनस एस एस ई डिवाइडेड बाई एस एस टी। तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सेवन्थ की स्टेटमेंट है द स्लोप बी वन इन द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू मेयर्स। अगर आपके पास स्लोप बी वन मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन में हो तो आपके पास बी वन जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगा। पार्ट ए में है द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन वाई हैट इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्स वन, द रेंज इन वाई हैट पर यूनिट चेंज इन एक्स वन, द चेंज इन वाई हैट पर यूनिट चेंज इन एक्स वन होल्डिंग एक्स टू कॉन्स्टेंट, द चेंज इन वाई हैट पर यूनिट चेंज इन एक्स टू होल्डिंग एक्स वन कॉन्स्टेंट। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट पार्ट डी की स्टेटमेंट है द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फॉर एक्स वन इज इक्वल टू 1, एक्स टू इज इक्वल टू 5, एक्स थ्री इज इक्वल टू 10 बाई यूजिंग द रिग्रेशन लाइन वाई हैट इज इक्वल टू 30 माइनस 10 एक्स वन प्लस 18 एक्स टू माइनस 7.5 एक्स थ्री इज 45, 15, 35 या 50। अगर आप यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 पुट करें और x2 की वैल्यू 5 पुट करें और x3 की वैल्यू को 10 पुट करें तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y hat इज इक्वल टू 30 माइनस 10 1 प्लस 18 5 माइनस 7.5 10। तो ये आपके पास y hat का आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास y hat का आंसर आ जाएगा 35 जो कि है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सी वाला। नेक्स्ट आपके पास नाइन्थ की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिमेन्स ऑलवेज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो आपके पास हमेशा सही होती है। पार्ट ए में है आपके पास द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन विल इंक्रीज व्हेन द न्यू वेरिएबल आर एडेड, द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन विल डिक्रीज व्हेन न्यू वेरिएबल आर एडेड, द adjusted coefficient of multiple determination will not decrease when new variables are added both a and c above। तो इसका आंसर है a। नेक्स्ट आपके पास MCQs का लास्ट है आपके पास 10 वाला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स, कौन सा रिलेशनशिप है जो कि होल्ड करता है। ए में है आर 13.2 इज इक्वल टू बी 12.3 मल्टीप्लाई बी 21.3, बी में है आर 13.2 इज इक्वल टू बी 13.2 मल्टीप्लाई बाई बी 31.2, आर 13.2 इज इक्वल टू अंडर रूट बी 23.1 मल्टीप्लाई बाई 32.1 या ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर है आपके पास बी। यहाँ तक ट्रू फॉल्स चैप्टर नंबर 11 के और MCQs कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो हम भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट की वीडियो में हम एक्सरसाइज के सब्जेक्टिव पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।